जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हो अपना प्यारा यूट्यूब चैनल वैष्णो भक्त राजेश ब्लॉग। दोस्तों, आप भी अगर आगामी एक दो दिनों में अगर वैष्णो देवी यात्रा की तैयारी पे कर रहे हैं जाने की, या वहाँ से वहाँ पे कटरा में पहुँचे हुए हैं, तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि एक ज़रूरी यात्रा अपडेट आपको देना है ट्रेनों के बारे में, क्योंकि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ज़्यादातर ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। कटरा से आने वाली और जो यहाँ दिल्ली से पंजाब के रास्ते कटरा को जाने वाली ज़्यादातर ट्रेनों के रूट कैंसिल कर दी गई हैं, या कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो मैं कल ही जम्मू मेल के द्वारा वापस दिल्ली आ रहा था, तो रास्ते में ही रुक रुक के काफ़ी ट्रेन डिले थी, और डिले की होने की वजह से जलंधर पर ही और आंदोलन के चलते जलंधर स्टेशन पर ही ट्रेन को टर्मिनेट कर दिया गया, और वहाँ से बड़ी असुविधा का सामना करते हुए मैं अपना प्राइवेट टैक्सी के द्वारा दिल्ली पहुँचा, जिसके वजह से काफ़ी मेरा पैसे की भी हानि हुई। और आपके लिए ये जानकारी इसलिए उपलब्ध करा रहा हूँ ताकि अगर आप अभी वहाँ से चले नहीं हैं अपने डिपार्चर से, तो कृपया करके ध्यान से चलिए। अगर बस की सेवा है तो बस से करके आप अपने शहर पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ट्रेनों का कब खुलेंगी इस बारे में अभी रेलवे की तरफ से भी कोई जानकारी दी नहीं गई है। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो आगामी तीस तारीख तक किसानों ने इस आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया है, उसके बाद क्या करेंगे किसान इस बारे में अभी फाइनली उनका कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है आंदोलन को आगे और लंबा खींचा जाए, तो कृपया करके जब भी आप कटरा की तरफ या वैष्णो देवी की तरफ प्रस्थान कर रहे हो या आने की प्लानिंग कर रहे हो, तो कृपया करके एक बार 139 पे कॉन्टैक्ट करके या IRCTC की वेबसाइट पे जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी ट्रेन चालू क्या स्टेटस क्या है, रनिंग स्टेटस क्या है, चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, कैंसिल हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी सभी ट्रेनों की जानकारी देना मेरे लिए भी संभव नहीं है। कृपया करके एक बार जो रेलवे की वेबसाइट है उस पर जाकर चेक कर लीजिए, और जो 139 कॉल सेंटर नंबर है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके कृपया करके अपनी जो जानकारी हासिल कर लीजिए ट्रेनों के चलने की, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए जो कटरा में या में रुके हुए हैं या जब कटरा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जिससे उनको भी असुविधा का सामना करना पड़े, क्योंकि मैं भी कल रात को बहुत असुविधा का सामना करके जैसे तैसे दिल्ली पहुँचा और पैसे की भी हानि हुई मेरे नुकसान।